सौम्या, पता है मम्मी जी ने बहुत कोशिशें की मुझे तुम्हारी सच्चाई बताने की, पर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। अगर तब मुझे सच्चाई पता चल गई होती तो मैं ये शादी नहीं करता, पर अच्छा हुआ कि मुझे सच्चाई पता चल गई। और आज जब सच पता है तो मैं भगवान के सामने एक बार फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूं, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। ना कुछ मत कहना यार, पति हूं तुम्हारा। जब तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो, एक अच्छी मां बन सकती हो, तो एक अच्छी पत्नी क्यों नहीं बन सकती? और वैसे भी हमारे इंडिया में पति की बात मानना पत्नी का फर्ज होता है। चलो फेरे लेते हैं, बिना किसी मंत्र, बिना किसी रीति रिवाज के, और हमारी इस शादी का इकलौता गवाह हमारा बच्चा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे और सौम्या के रिश्ते को हम दोनों के अलावा सिर्फ आप जानते हैं, बाकी सब तो दुश्मन बन बैठे। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी इस छोटी सी फैमिली का, जहां मैं अपने इस छोटे से परिवार को ना संभाल पाऊं वहां आप ध्यान रखिएगा। हेलो जी, ये आनंद भवन अनाथालय का नंबर यही? हाँ जी, बोल रहे हैं। आपके यहाँ से हरमन सिंह और सौम्या सिंह ने एक बच्चा गोद लिया। हाँ जी लिया है, बताइए क्या बात है। बिना किसी की इजाजत के दोनों ने बच्चा गोद तो ले लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो बच्चा घर में किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं पाता। बच्चे को बच्चा समझ कर घर में कलेश करने का हथियार बनाकर ले आए वो दोनों। बेहतरी इसी में कि आप आए और आकर उस बच्चे को ले जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, गोद लिए हुए बच्चे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और हरमन और सौम्या जी तो मुझे बहुत ही जिम्मेदार माँ बाप लगे, आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको। ठीक है, कल को अगर किसी ने बच्चे को जहर दे दिया तो ये ना कहना कि आपको आगाह नहीं किया गया था। क्या मैम, सवेरे से कोई मिला नहीं क्या आपको पकाने के लिए? जहर दे देगा? अरे कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। की होया, किस पे गुस्सा हो रहा है? कुछ लोगों के पास फालतू टाइम होता है बर्बाद करने के लिए। मम्मी जी, ये अनाथालय वाले किसी की हेल्प नहीं करने वाले, इनके लिए तो हर अनाथ बच्चा ना बस एक बला होती है। बला एक बार बला टली तो फिर दोबारा सुध नहीं लेते उसकी। अरुण, जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी कर लिया कर, ये औरतों वाली हरकतें छोड़ दे। बैठे बैठे कान भरने से कुछ नहीं मिलने वाला।
है भाई शनो, हरमन तो आ गया अपने बच्चे के साथ खेल खाल के। तेन पता है आती हरमन ने वरुण की क्लास ले ली। वही फिरन, क्या जनानियों की तरह घर में इधर की बातें उधर करते रहते हो? हैं? सारा दिन दीवार के साथ कान सटा के बैठी रहती है ताकि घर की खबरें मिलती रहें। और आज जब मैं तुझे खुद खबर दे रहा हूँ तो देख मुझे सुना रही है। वाह जी वाह। ओए प्रबल, समझाओ अपने पापा को। मेरे प्यारे वीरन, ये तो मैं पहले करती थी। हाँ, लेकिन अब तो मेरा बेटा आ गया है। अब तो मैं बैठे बैठे उनकी बर्बादी और हमारी आबादी के मजे लूं। ऐ ना लाड़ी, ओए तुसी देखते रहो वीरन, आगे आगे होता गया है। आज तो सिर्फ एक फैक्ट्री इसके नाम की है ना, देखना कल खुद हार कर सब कुछ इसके नाम करेंगे तुम्हारे प्यारे बड़े भाई साहब। रुको रुको रुको, यही रुको। ये क्या है जी? मैजिक। इमेजिन करो ये आरती की थाली। और तुम्हें याद है गृह प्रवेश करते वक्त तुम्हारे पांव के आगे कलश रखा था? इमेजिन करो वो कलश यहां रखा है और उसे पांव से गिराओ और गृह प्रवेश करो। अरे क्या हुआ यार? यार गुलाबो, हम शादी करके आए तो गृह प्रवेश नहीं करोगे? अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के घर में आ जा। गिराओ ना पांव से कलश को। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आओ बैठो। आज से हम दोनों के बीच कोई झूठ की दीवार नहीं होगी, होगा तो सिर्फ सच और हम दोनों। और हाँ गुलाब, आज से हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोएंगे। भाई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने किसी और लड़की के साथ बिस्तर बांटने की बात कर दी हो? अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों कौन? पति पति, तो हम दोनों साथ नहीं सो सकते? और हाँ, हम साथ ही सोएंगे और हमारे बीच सोएगा हमारा जूनियर हरमन। लबो, आज तो पूरी फैमिली साथ रही, ये सोच करी अच्छी वाली नींद आ रही। चलो सो जाते हैं। कितने अच्छे हैं आप, आपके साथ जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लगती है। काश ये सपना कभी ना टूटे। सपने देखने के लिए सोना बहुत जरूरी होता है गुलाबो। लाइट बंद कर दो और सो जाओ, देखना आज कितनी चैन की नींद आएगी। देख रही है क्या हो रहा है निम्मी? देख रही है तू? कितनी बार तुझसे कहा कि एक किन्नर को आम जिंदगी देने की कोशिश मत कर, मत कर, वो इस दुनिया की नहीं है।
आप तो इस बात को मान ले कि तेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगी। अगर तू सौम्या की खुशी चाहती है तो हमें उसे उसकी दुनिया में भेजना होगा। देख आज क्या हो गया। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुझे हमेशा लगता था कि तेरी दोनों बेटियां एक साथ हमेशा खुश रहेंगी, हमेशा खुश रहेंगी, लेकिन तू भूल गई। तेरी एक बेटी नहीं किन्नर है, किन्नर। और आज उसी किन्नर की वजह से सुरभि की जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। गुड मॉर्निंग जूनियर हरमन। आपने रुला दिया इसे। बस बाबू नहीं रोते, बस बस बच्चा चुप हो जाओ। ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज, तुमसे तो खुशी खुशी किसी करवा लेता। मैं अगर किसी दे दूं तो रोने लग जाता। नहीं जी, वो आपकी दाढ़ी लंबी है ना, तो चुप गया इसे। यार कोई इतनी भी कड़क नहीं है मेरी दाढ़ी जो चुपती है, ये ऐसे ही ड्रामे करता रहता है। लाओ इसको इधर दो। ए जूनियर हरमन चुप हो जा। अरे ले 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 चुप हो जा। तूने अपनी टंकी मुझ पर खाली कर दी। यार गुलाबो, लाइए मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा लो। हरमन तू अपनी टंकी रोज मुझ पे खाली कर ताकि मेरी गुलाब यूं ही हंसती रहे। ओए मेरा प्याला पबल सिंह, वो इतना वड़ा कर है तेरा, हैं? लोगों के पास खिलौने नहीं होते, ओए तेरे पास तो खिलौनों की फैक्ट्री है। फिर क्यों रो रहा है तू? उल्लू मिल बच्चों से भूख लगी है? ओए अभी रुक जा, अभी तेरी मम्मी दूध लेकर आ गई है। आ गई मैं प्रबल के लिए दूध लेकर। ओ देख आ गए दूदू। सुनिए जी, कमरे विच चलते हैं। अपने बच्चे पर किन्नरों का साया पड़ना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्यों बुद्ध बनकर मंडराती रहती है हमारे सर पर। और तोड़े भाई भाभी ना, पता नहीं क्यों इसे पाल कर रखा है यहाँ पर। तुझे भी तो पाल रखा है। तेरे लिए तो आज तक इस घर में किसी ने कोई सवाल नहीं किया।
क्या है ना जीजी, जैसे आपको हरमन की फिक्र रहती है, वैसे मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र होगी ना। मैं नहीं चाहती कोई भी बुरा साया मेरे बच्चे पर पड़े। जैसे आप एक बेटे की माँ है, वैसे मैं भी तो एक बेटे की माँ हूं ना, है ना? चलिए जी। तो चल, मैं आ रहा हूं। मुझे छोटू को दे दीजिए ना, मुझे एक साथ खेलना है। चिंटू जी, मैं भी संभाल लूंगी जी। मामी, अब इस बार मैं छोटू को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है जी, मैं यहाँ रख देती हूँ, आप फिर ध्यान रखिएगा। हाँ चिंटू जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं कंस मामा थोड़ी हूँ जो मुझे देखती रोने लगा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। इसे खेल और चुप हो जा। तेरे बाप का खिलौना है? हाँ मेरा है, मेरे पैसों से है। तेरे बाप का नहीं है, समझा?